गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आपने देखा कि पिछले वीडियो में हमने गोले के फॉर्मूलों के बारे में चर्चा कर ली थी, ठीक है। और मैंने आपको दो क्वेश्चन भी करवाए थे, एग्जांपल नंबर 12 और एक क्वेश्चन नंबर 1। आज इस वीडियो में हम 16.4 प्रश्नावली के क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर है 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4, यानी दूसरा, तीसरा और चौथा क्वेश्चन हम इसमें देखेंगे। तो बेटा आप सब बच्चे पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए, क्या कह रहा है क्वेश्चन की एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 616 वर्ग सेमी है, तो गोले का आयतन ज्ञात कीजिए। यानी आपको त्रिज्या ना देकर के पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको दे दिया है और आयतन पूछ लिया है। अब हमें सबसे पहले आवश्यकता पड़ेगी त्रिज्या की, ठीक है। तो देखो यहां करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2। पढ़िए बेटा, आप कहोगे कि सर हमें दे रखा है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या दे रखा है बेटा आपको? गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या दे रखा है बेटा? 616। बेटा क्षेत्रफल की बात जहां भी आती है वहां वर्ग सेमी लिखा जाता है ना, मीटर होगा तो मीटर लिखा जाएगा, वर्ग मीटर या वर्ग सेमी, ठीक है। अब आप बताइए कि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता क्या है? तो आप कहेंगे सर गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल तो होता है 4πr² और जबकि आपको दिया कितना हुआ 616, दोनों को बराबर रख लो। कैलकुलेशन करते समय आप बच्चे बिल्कुल भी ना घबराएं, बड़े स्मूथ तरीके से आप कैलकुलेशन किया करो। बिल्कुल यहां गड़बड़ हो जाती है कई बच्चों से, सिर्फ लिखते टाइम आप हड़बड़ा जाते हैं कि पता नहीं मैं कैसे करूंगा, मेरे से होगी नहीं होगी, ऐसा मत सोचिए, आप आराम से कीजिए बेटा, ठीक है। पाई की वैल्यू 22/7 आ गई। अब आप ये देखिए कि आर स्क्वायर बराबर में 616 बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, 7 ऊपर जाएगा 88 नीचे आएगा, ठीक है। अब 88 जो 88 है ना बेटा, इसको आप गुना करना 7 से, 616 आएगा। तो आप कहेंगे 616 87 से कट गया, कितने पर? कितने पर? 7 पर। 7 का गुना 7 से किया 49। अब बेटा आर का मान निकालने के लिए 49 का वर्गमूल करोगे तो बोलो कितना आ जाएगा? 7 सेमी। कितना आ जाएगा बेटा? 7 सेमी। तो आप कहेंगे सर गोले की त्रिज्या तो हमने निकाल ली है, पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ था, त्रिज्या हमारी निकल गई है। अब आपसे पूछा हुआ है गोले का आयतन, चलिए यहां अपने निकालते हैं गोले का आयतन। बेटा गोले का क्या निकालना है अपने को? आयतन। अब बताओ गोले का जो आयतन होगा बेटा वो क्या होगा? 4/3πr³। क्या होता है गोले का आयतन? 4/3πr³। तो 4/3 ये है, पाई की वैल्यू 22/7 है, इनटू में आर का मान हमारे पास में कितना है बोलिए? 7 है बेटा। तो 7 को 3 बार लिखा जाएगा बेटा, क्यों? आर क्यूब है ना, इसलिए। अब इस 7 से 7 कट गया। अब ये देखिए ये 4 का गुना मैं 22 से करूंगा तो कितना आएगा बेटा? 88 यानी 88, और 88 का गुना जब 7 से करेंगे यानी इन तीनों का जब गुना करेंगे ना आप, तो 616 आएगा। क्योंकि अभी मैं बता चुका हूं कि 616 में भाग दिया 88 का, 7 पे कट गया, यानी 88 का 7 से गुना करने पर 616 आता है। तो ये तो हो गया 616 इंटू में कितना है? 7/3, ठीक है बेटा। चलो 616 को आप गुना करो 7 से, 7 का गुना 6 से करेंगे 42, 4 फिर 7 और 4 हो गए 11, कितना आ गया बेटा? 1, 42 और 1 43, 4312 आ गया। अब 4312 के अंदर बेटा आपको भाग करना है 3 का, चलो करते हैं बेटा भाग। देखिए 3 का भाग तो आप कहेंगे सर पहले तो जाएगा 1 पर, 1 आ जाएगा शेषफल 3, 3 × 12 फिर शेषफल 1 ऊपर से, फिर 1 ले लिया 3 × 9 फिर 2 = 22 फिर 3 × 7 = 21 कितना बच गया? 1 पॉइंट लिया 0। अब आगे बेटा ये 3 पर ही जाएगा तो आप कहेंगे सर ये आ जाएगा 1437.33 बेटा आयतन है क्या? तो घन सेमी लिखिएगा बेटा। क्या लिखिएगा? घन सेमी। तो बेटा आपने देखा ये हमारा प्रश्न कौन सा हो गया बेटा? क्वेश्चन नंबर 2, बिल्कुल राइट, ठीक है। चलिए अब हम बात करेंगे बेटा किसकी? हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की। तो आप क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ लीजिए, क्या कह रहा है आपको क्वेश्चन नंबर 3? क्या है कि एक अर्ध गोले की त्रिज्या 4.5 सेमी है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन ज्ञात कीजिए। देखो बच्चे जो है ना हमारा वीडियो देखते हैं, कई बच्चे बोलते हैं कि सर क्वालिटी नहीं आ रही है,
तो YouTube देखने से संबंधित मैंने एक वीडियो अपलोड कर रखा है। अगर किसी को मान लो ऑनलाइन क्लास हमारी देखनी नहीं आती है, कोई दिक्कत आती है, क्वालिटी अच्छी नहीं आती है, तो आप हमें ज़रूर कर मैसेज करें, हम आपको बताएंगे कि आपको कैसे देखना है। मेरा सजेशन यही रहेगा कि आप YouTube में WhatsApp की बजाय YouTube में जा कर के वीडियोज़ को देखें। नीचे जो नीले कलर का जो आपके पास में लिंक आता है ना हर वीडियो के, उसके ऊपर क्लिक करेंगे डायरेक्ट आप YouTube में वीडियो देखेंगे। और YouTube में जो बिल्कुल राइट वाली जो कॉर्नर है उसमें ऊपर ऊपर एक साइन आता है, उस ऑप्शन को जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो वहाँ एक क्वालिटी का ऑप्शन आता है, तो आप वीडियो की क्वालिटी बढ़ा सकते हैं। इस चीज़ का ध्यान रखें। अगर इस चीज़ के बारे में आपको नॉलेज नहीं है तो आप मुझे पर्सनली मैसेज करें, मैं आपको सारी बात समझाऊंगा, ठीक है। चलो, तो आपको कहा गया है कि गोले की जो त्रिज्या है ना बेटा, देखिए क्वेश्चन नंबर 3, गोले की त्रिज्या हमें दी गई है, सॉरी अर्धगोला है बेटा आपकी बार, क्या है बेटा? अर्धगोला। अर्धगोले की त्रिज्या दी गई है 4.5 सेमी, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल बेटा संपूर्ण ही निकलेगा, फिर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपसे पूछा गया। क्या होता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल? 3πr², तो आप कहेंगे सर 3, ये 22/7, 4.5 × 4.5 पृष्ठीय लिखा हुआ है ना, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। चलिए अब आप कहेंगे पॉइंट हट गए, 2 पॉइंट हटाए हैं, बटा में 100 आ जाएगा। अब आप कहेंगे सर 45 का 45 से गुना कीजिएगा बेटा, 2025 आएगा बेटा आपके पास में। अब 2025 का गुना कर दो आप 66 से, तो आप कहेंगे सर 6×5 = 30, 3 × 12 = 3, 15, 0 यहाँ 1 आ गया, फिर यहाँ पर 6×2 आ गया 12, 0, 5, 1, 2, 1, तो 0, 5, 6, 3, 3, 1, यानी 133,650 आपके पास में आ जाएगा। ये 133,650 बटा में बेटा क्या है 7×100, 10 फिर कट गई। फिर आप कहेंगे देखिए बेटा, इसको इरेज कर रहा हूं मैं मल्टीप्लाई को, अब आप कहेंगे सर 133 65 में भाग दीजिएगा बेटा 7 का, तो आप कहेंगे सर 1 पर जाएगा, कितने आ जाएंगे 50, फिर 3, 9 पर जाएगा 49, कितने आ जाएंगे 4, ठीक है। फिर आप कहेंगे कितने पर जाएगा 7×42, कितना आ जाएगा 4×5, फिर जाएगा 42, कितना आ जाएगा 3, पॉइंट लगाया, फिर कितना जाएगा 7 पर। यानी आप ये कह सकते हैं इसका जो हमारे पास में आंसर आना चाहिए, आंसर शायद इसका हमारे पास में रोंग आ रहा है ना, 7 से ही भाग देना था, पाई की वैल्यू 22/7 और 2025, एक मिनट रुकना बेटा, ये हमारे पास में 2025 को अगर हम गुणा करते हैं कितने से, भाग चेक करो यार, 7×7, सवाल तो सही है अपना, ठीक है, कितना आ गया, ओहो माय गॉड, यहां गड़बड़ कर दिया बेटा आपने, 6 बचेंगे ना, 7×7, ठीक है 6, अब कितने पे जाना चाहिए बताओ, 7×63, ओहो हो भाग गलत हो गया बेटा अपने से, गलत घटा दिया ना अपनों ने, इस वजह से लगातार दो डिजिट है ना बेटा, अपने को नीचे लानी पड़ेगी, 6 भी लाना पड़ेगा और 5 भी लाना पड़ेगा, इसलिए यहाँ आ जाएगा 0। अब आप कहेंगे सर कितने पे जाएगा बोलो बेटा, ये जाएगा 7×63, अब 63 पे जाएगा बेटा, फिर ये ठीक है, और कितना आ जाएगा अपने पास में 2, ये हमने पॉइंट 0, 7×2 = 14, सात पर गया 6×3 = 63, 7×63 हो गया ना बेटा आपके पास में, फिर ये 6 आ जाएगा, एक डिजिट और लाएंगे, ठीक है, फिर 7×63 चलिए फिर हमारे पास में जाएगा ये बेटा कितने पर, देखो एक मिनट, 7×14, ठीक है, और ये 6 बिल्कुल सही चल रहे हैं अपने,
ठीक है, आंसर चेक कीजिए बेटा कितना आ रहा है इसका, 7 8 56, बस इतना ही कर दीजिए बेटा। तो आप कहेंगे सर ये हमारे पास आ गया 199.28, ठीक है। अब आप कहेंगे सर 10 से भाग भी तो देना है बेटा, 10 भी तो आपके पास में, तो आप कहेंगे सर आ जाएगा 190.928, ठीक है। तो आप कहेंगे सर इस 8 की वजह से ये 2 क्या बन जाएगा, 3 बन जाएगा, तो आप कहेंगे हो जाएगा 190.93, ठीक है बेटा। तो ये आ जाएगा आपके पास संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 190.93 क्या आ जाएगा, वर्ग सेमी। क्लियर, इस हिसाब से आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। चलिए ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 था। इसमें बेटा आपसे ये पूछा हुआ है क्या कि आयतन ज्ञात कीजिए। बेटा आयतन किसका, अर्धगोले का। अर्धगोले का आयतन कितना होता है, 2/3 πr³। कितना होता है बेटा, 2/3 πr³, यानी 2/3 π की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू बेटा आपके पास कितनी है, 4.5 × 4.5 × 4.5, 3 बार अगर आपने पॉइंट हटाया तो बटा में कितना आ गया बेटा, 1000। और आप कहेंगे सर 3 के पहाड़े से ये कट जाएगा कितने पर, 15 पर, ठीक है। अब बेटा आप इसको बड़े अच्छे ढंग से आप इसको हल कीजिएगा, हल करके इसका जो आंसर है वो मुझे कमेंट बॉक्स में आप क्या करेंगे बेटा, कमेंट करेंगे, ठीक है बेटा, कि इसका आंसर क्या आएगा। यही हमारा आज का प्रश्न है। चलिए इसी तरह से बेटा हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 4 आप बड़े सभी बच्चे ध्यान से पढ़ लें, क्या है कि एक गोले का आयतन आपको दे रखा है 38,808 घन सेमी, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। चलिए कैसे करेंगे, देखो आप कहेंगे सर हमें दे रखा है गोले का आयतन, क्या दे रखा है बेटा, गोले का आयतन कितना दे रखा है बेटा आपको, 38,808 घन सेमी, क्या दे रखा है बेटा, 38,808 घन सेमी। अब आप कहेंगे कि सर ये दे रखा है आपको आयतन, और आयतन होता क्या है बेटा, गोला है ना, ध्यान रखना गोला और अर्धगोला, इस बात का ध्यान रखें बेटा आप यहां पर। तो कितना हो जाएगा, 4/3 πr³ = 38,808, ठीक है, 4/3 बेटा पाई की वैल्यू आ जाएगी 22/7 × r³ = 38,808, ठीक है। अब r³ बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, जो हर में है वो तो ऊपर चला जाएगा, जो अंश में है वो नीचे आ जाएगा, 808 × 7 × 3 / 4 × 22, राइट। अब आप कहेंगे कि सर आप जो है ना इसको कितने के पहाड़े से काट सकते हैं बेटा, चलिए अपने इसको 4 के पहाड़े से काटते हैं। तो आप कहोगे सर 4 × 36 9 पर गया बेटा, फिर 4 × 8 = 92 कितना आ जाएगा बेटा, देखो ठीक है 9202 आ जाएगा आपके पास में। फिर अपने 2 के पहाड़े से एक बार और काट देते हैं इसको, चलो 2 के पहाड़े से एक बार और काटोगे, या आप एक काम करो सीधा आप इसमें 22 का भाग देके देखो बेटा, 441 आ जाएगा। तो आप कहेंगे सर r³ = कितना, 441 क्या होता है बेटा वैसे बताओ आप, 21 × 21 लिख सकता हूँ 441 को मैं, 21 × 21, और ये 7 × 21, 3 × 21 आ गया ना। अब जब r³ यानी 21³ है आपके पास में, यानी 3 बार, देखो जब वर्गमूल आ जाए मान लो ऐसे 21 × 21, तो जब आपको r² = आ जाए 21 × 21, तो आप r² क्या लिखते हैं, 21, ठीक है ना, 2 में से एक ही लेते हैं। और जब इसी प्रकार r³ आ जाएगा तो 3 में से एक लेंगे आप, यानी लिखेंगे 21 सेमी। इसको कहते हैं घनमूल करना। तो बेटा आपको त्रिज्या पता लग गई बेटा, क्या आ गई, गोले का आयतन अपने को दिया हुआ था, त्रिज्या हमने इसकी आयतन की सहायता से निकाल ली है। अब हमें निकालना है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्या निकालना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बेटा क्या होता है, 4πr² बेटा, 4π की वैल्यू 22/7 × r² 21 × 21, तो आप कहेंगे सर 7 की टेबल से कट गया 21, तो आप कहेंगे 22 × 4 = 88, अब 21 + 63 गुणा कीजिए 3 × 8 = 24,
ठीक है, 2, 3, 8, 24 और 2, 26, फिर 6, 8, 48, 52, तो आप कहेंगे सर 4, 4, तो 5544 कितना आ रहा है बेटा, 5544 वर्ग सेमी, ये आपके पास फाइनल आ जाएगा। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 3 में मैंने आपसे आयतन पूछा था, आयतन निकाल करके आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करेंगे, तो ठीक है बेटा, आज के लिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं अपने नए वीडियो के साथ।